हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों रियलमी की तरफ से एक स्मार्टफोन है जो रियलमी Q2 नाम है, वो BIS पे लिस्टेड हुआ है। बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहा है इसी स्मार्टफोन को लेके, इसका लॉन्च को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक प्रॉपर न्यूज़ शेयर किया जाए और उसके साथ इसका स्पेसिफिकेशन बारे में बताया जाए। तो चलो देखते हैं क्या है इस फ़ोन के अंदर, किस फीचर्स के साथ आता है, कितने प्राइस के साथ आएगा, कब तक इंडिया पे लॉन्च होगा और सच में क्या ये इंडिया पे फाइनली लॉन्च होगा। अगर लॉन्च नहीं होगा तो क्यों लॉन्च नहीं होगा, सारे चीज़ के बारे में आज इस वीडियो पे हम क्लियरली बात करेंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, BIS लिस्टेड हो गया है कोई स्मार्टफोन, इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनली इंडियन मार्केट पे आएगा ही आएगा। कभी कभी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस भी हो जाता है जहां पे स्मार्टफोन BIS पे तो लिस्टेड होता है बट वो उसी स्मार्टफोन के नाम से इंडियन मार्केट पे लॉन्च नहीं होता है। लॉन्च तो होता है बट वो किसी रिब्रांडेड नाम से या किसी दूसरे नाम से इंडियन मार्केट पे आता है। जहां पे ये जो Realme Q2 है, इसका नाम है, जो मॉडल नंबर निकल कर आया है वो है RMX 2117। ये स्मार्टफोन के, ये जो मॉडल नंबर है इसी के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। बट फाइनली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जनवरी के महीने में ये जो Realme Q2 है ये लॉन्च होगा। बट सच में क्या ये जनवरी के जो मंथ है 2021 का, सच में ये लॉन्च होगा, इसके बारे में तो ऑब्वियसली बात करेंगे वीडियो के आगे। लॉन्च अगर होगा तो भी बात करेंगे, नहीं होगा उसके रीज़न भी बताएंगे कि क्यों नहीं होगा। बट इससे पहले ये जो Q2 है इसका कुछ स्पेसिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिल रहा है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। उसके साथ आप लोगों को एक डॉट नॉच एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिल रहा है, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम अंदर का बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर। अगर दोस्तों आप अंदर तो बेंचमार्क स्कोर वगैरह देखोगे तो 3,20,000 के ऊपर आता है, 7 नैनोमीटर फेब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ऑब्वियसली बैटरी एफिशिएंसी जो है वो भी काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है, परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा मिलेगा आपको। 5G चिपसेट है। इवन दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो Mali G53 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली गेमिंग वगैरह करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। तो ऑल ओवर द चीज़ अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में या GPU वगैरह के बारे में, तो सही चीज़ आप लोगों को मिल रहा है बजट रेंज के अंदर। अब दोस्तों एंड्रॉयड वगैरह का बात करें तो एंड्रॉयड 11 मिलेगा जो चाइना पे लॉन्च हुआ था, एंड्रॉयड 10 देखने को मिला था, यहाँ पे एंड्रॉयड 11 के साथ आने का चांस है। एंड आप लोगों को रियलमी UI 2.0 देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा जो है UI आप लोगों को मिलेगा, बट कुछ ब्लोटवेयर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा वगैरह का, तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 48+8+2 मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और मैक्रो कुछ भी एक दे देगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। जो प्राइमरी कैमरा है मतलब जो पीछे वाला कैमरा है, उसके साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो कर सकते हो 4K में कर सकते हो। इसको छोड़ के आप लोगों को जो पैनोरामा या जो भी बोके मोड वगैरह है वो सारे ऑप्शन मिलता है। फ्रंट का अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आप लोगों को फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा, इसके थ्रू आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी जितने भी जिस पैनोरामा बोके वगैरह जो भी होता है वो भी आप इस कैमरा के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अब दोस्तों अगर बैटरी वगैरह का बात करें तो 5000mAh का एक बैटरी मिल रहा है, 30W का फर्स्ट चार्जर मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ऑल ओवर द चीज़ अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन का, काफ़ी सही है, बजट के अंदर एक अच्छा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेडिकेटेड स्लॉट आता है, 2 SIM के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके रैम रोम वेरिएंट वगैरह का, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 वेरिएंट मिलता है, 4 128GB एंड 6 128GB। थोड़ा अजीब लग सकता है 4 के साथ 128 एंड 6 के साथ 128, बट ठीक है चलो क्या ही कर सकते, कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। बट अभी यहाँ पे बात है कि प्राइस कितना होगा। देखो दोस्तों चाइना के मार्केट के साथ अगर सीधा सीधा कंपेयर करें तो प्राइस वही 14-15 हज़ार तक आता है। बट थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर का सामान लो, टैक्स वगैरह तो लगता ही है इंडियन मार्केट पे, तो 15-16, 16.5 के अंदर आप लोगों को ये दोनों वेरियंट मिल जाएगा। तो 15 to 16.5K के अंदर आप लोगों को ये जो दो स्मार्टफोन है, दो वेरिएंट है इसका Q2 का, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। खैर ये तो रहा फ़ोन का स्पेसिफिकेशन वगैरह का बात। अब बात है कि ये फ़ोन क्या फाइनली जनवरी के मंथ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं दोस्तों, चांस बहुत कम है, बहुत ही कम है Q2 के नाम से इंडियन मार्केट पे मिलने का।
जनवरी के मंथ पे, बिकॉज रियलमी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला है। ऐसा नहीं होता है कि जो स्मार्टफोन का नाम आप लोगों को अभी दिसंबर एंड में मिल रहा है वो आप लोगों को जनवरी फर्स्ट पे देखने को मिल जाएगा, इतना भी फर्स्ट प्रोसेसिंग नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों जनवरी जो है वो महीना Realme के काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च होने वाला है। जैसे स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं Realme X7 सीरीज़ के साथ आएगा, X7 X7 Pro के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद महीने में और दो सीरीज़ आप लोगों को देखने, जहां पे Realme जो Narzo 30 सीरीज़ है वो देखने को मिलेगा, Realme जो 8 सीरीज़ है वो भी देखने को मिलेगा। Realme 8 के ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का, नहीं देखे तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब बात है कि जहाँ पे इतने सारे फ़ोन ऑलरेडी लिस्टेड है, यहाँ पे Q2 आएगा कि नहीं? देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चांस है Q2 नहीं आने का, अगर Q2 आता भी है तो वो Realme का Narzo 30 सीरीज है उसके अंदर लिस्टेड होके आएगा, मतलब रीब्रांडेड हो जाएगा Q2 टू Realme Narzo 30 सीरीज। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखते हो, Q2 जो चाइना के मार्केट पर लॉन्च हुआ था 3 वेरियंट के साथ आया था, वहां पे जो था Q2 मिडिल वेरिएंट, Q2 आई लोअर वेरिएंट एंड Q2 प्रो अपर वेरिएंट। अब अगर आप Narzo का भी देखो तो Narzo में भी तीन था, Narzo 20 ए, Narzo 20 एंड Narzo 20 प्रो, तो तीन था। बट यहां पे Narzo 20 सीरीज तो आ ही गया है, तो Q2 जो है वो शायद हो सकता है Realme Narzo जो 30 सीरीज है उसके साथ इंडियन मार्केट पे देखने को मिले। और अगर देखने को मिलेगा भी तो आप लोगों को फेब में देखने को मिलेगा, फेब फर्स्ट या सेकेंड वीक, मतलब आप फेब मीट के अंदर, फेब स्टार्टिंग टू फेब मीट के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि Realme जो है Narzo 30 सीरीज अगर Q2 होता है रीब्रांडेड तो फेब में हो जाएगा। अगर नॉर्मली 30 सीरीज जो है वो डायरेक्टली आता है तो आप लोगों को वो जैन एंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग बात कर सकते हो कि Realme जो 8 है वो क्यों नहीं आएगा। देखो, जनरली जो नंबर सिस्टम वाला काम होता है ना, Realme 7, Realme 8, इस पे ज़्यादातर रिब्रांडेड वगैरह नहीं होता है, ये जो साइड में सीरीज वगैरह होता है वहीं पे कुछ ना कुछ ये लोग छेड़छाड़ करते हैं, जो भी बदलाव लाता है, जो रिब्रांडिंग वगैरह करना पड़ता है वो उसी जगह पे करते हैं। तो इसलिए नहीं लगता है कि चांस है Realme 30 सीरीज है, Narzo 30 सीरीज, उसके जगह Realme 8 पे ट्रांसफर करने का। तो अगर Q2 आएगा तो 30 सीरीज के साथ ही आने का चांस है, नहीं तो Q2 ऐसे अलग से अभी के टाइम पे कोई खबर नहीं है आने का। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।